पांच ऐसे कोर्सेस जो एक मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ को चेंज कर पाएगी। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर यार आज के टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हम मैकेनिकल इंजीनियर्स को प्लेसमेंट लेने के लिए, अच्छी जॉब, अच्छी पर्क्स लेने के लिए। बट पांच ऐसी कोर्सेज, पांच ऐसे टेक्निकल कोर्स जो आप मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा जब कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी की जॉब मिल पाएगी। ओके, तो इस पांच कोर्सेज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला कोर्सेज लिस्ट में हमारा है टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यार टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहने का क्या मतलब? टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन सेंस कि आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर। ओके, अब इस टेक्निकल फील्ड्स में क्या क्या आती है? आप चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, आप चाहे टेस्टिंग एनालाइजिंग में जाओ, चाहे आप सिमुलेशन डिज़ाइनिंग में जाओ, तो ये दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द टेक मैकेनिकल। ओके, टेक मैकेनिकल ही हो गया आपका। तो टेक के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन और हैं, तो ये आपका टेक का हो गया। उसके बाद आप पाइपिंग डिज़ाइनिंग में जाओगे। यार पाइपिंग डिज़ाइनिंग आपका बहुत बड़ा फील्ड है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारा हो गया अब ये गल्फ कंट्री में बहुत सारे डिज़ाइनिंग, यहाँ पे बहुत सारे पाइपिंग डिज़ाइनर लोग का डिमांड है, हाई सैलरी आपको देते हैं वो। तो पाइपिंग डिज़ाइनिंग में बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर को सीखने पड़ते हैं, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनालिसिस सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप पाइपिंग पे काम कर रहे होंगे, पाइपिंग को, पाइपिंग किस तरीके से, बॉयलर इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री है, इस तरीके का इंडस्ट्री में पाइपिंग का जो भी काम हो रहा होगा वो आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे। ओके, हमारे थर्ड लिस्ट में आते हैं रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स। तो रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स आज के टाइम पर बहुत ही बूमिंग सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स कर सकते हैं। यार रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स के लिए आप कंप्यूटर इफिशियंट होने चाहिए, प्रोग्रामिंग इफिशियंट होना चाहिए। ओके, तो आप प्रोग्रामिंग में, आपको कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है तो आप रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रोबोटिक्स के थ्रू काम करवाते हैं। तो आप रोबोटिक्स को कंट्रोल करना, रोबोटिक्स को ऑटोमेट करना, रोबोटिक्स को प्रोग्राम प्रोवाइड कराना, ये सारे चीज़ें वहाँ पर आपके आ जाते हैं। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन टूल्स डिज़ाइनिंग, यार मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन टूल्स डिज़ाइनिंग ये हमारा फोर्थ कोर्स है इस लिस्ट में। तो यार मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एंड टूल्स डिज़ाइनिंग का क्या मतलब है? तो मास्टर्स आपको करना है इंजीनियरिंग, ये बेसिकली छः महीना या फिर एक साल का कोर्स होता है, जो कि आपको इंजीनियरिंग टूल्स को डिज़ाइन करना है। जो भी इंजीनियरिंग टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर टूल्स हो, चाहे वो हार्डवेयर टूल्स हो, उस पर आपको मास्टर्स करना है। मीन्स उस पर आपको बहुत ही बढ़िया ग्रिप बनाना है, क्योंकि हम जो भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे वहाँ बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, उस टूल्स के बारे में फुल नॉलेज, उसका डिज़ाइनिंग क्या, उसका इक्विपमेंट्स का, एप्लीकेशन का, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट MBA। यार बहुत सारे बच्चे MBA करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं मैनेजिंग पोस्ट पर जाना। तो मैकेनिकल इंजीनियर के बाद टेक्निकल मैनेजर आप बन सकते हैं MBA के थ्रू। ओके, MBA करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है कंपनी के अंदर, अगर आपने अच्छे कॉलेज से करा हुआ तो वहाँ पे आपका टेक्निकल मैनेजर हो गया। बहुत सारा HR वगैरह का पोस्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद, आप ये कर सकते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ फाइव कोर्सेज यू शुड डू इन 2021 सो डैट यू विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड जॉब फॉर मार्केट। ओके, तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद आपको बहुत अच्छा जॉब, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता होगा। ओके, तो इस वीडियो को यार शेयर कर दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के कम्युनिटी में, ताकि हर बच्चे का इस टाइम पे भला हो सके, हर बच्चे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर सके। इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।